एवरीवन, माय नेम इज़ विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी एनआरआई। आज जो व्लॉग मैं एडिट कर रहा हूँ वो आप कल देखेंगे, और जो व्लॉग है इस व्लॉग में आप क्या देखोगे वो है यहाँ पे जो इंडियन फेस्टिवल है वो यहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मैं आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। तो फेस्टिवल कौन सा है? फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी, जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। वो यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया था, तो हम वहाँ पे रेंडमली गए थे। हमें इन्फॉर्मेशन वैसे मिली थी बट मैं भूल गया था वहाँ पे, बट मैं रेंडमली वहाँ पहुँच गया था, तो मैंने वहाँ व्लॉग शूट किया। मैं अभी एडिट कर रहा हूँ और आज एडिट कर रहा हूँ रात में, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये, देखो ये एडिट कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 2, और कल आप इस व्लॉग को देखोगे और बताइएगा कैसा लगा व्लॉग। मैं अभी एडिट करता हूँ और आप जाओ सीधा पार्क में जहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है ना। उसकी वीडियो किसी दिन और बनाऊंगा, बट अभी आप वहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरी झांकी निकली थी, कितनी सुंदर झांकी निकली थी, और बताओ कैसा लगा आपको, है ना। उसके बाद आगे दोबारा यहीं मिलते हैं और फिर बात करेंगे। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन, माई नेम इज़ विनय चौधरी, और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक इंडियन फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में, जो डसलडॉर्फ में जर्मनी के अंदर सेलिब्रेट करा जा रहा है। और यहाँ पे पूरी इंडियन कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, और डसलडॉर्फ के अंदर मैं आपको बता दूँ एक बहुत बड़ा पार्क है, बॉक्स गार्डन, उसके अंदर इंडियन कम्युनिटी आप यहाँ पे गणेश विसर्जन का ये जो इंडियन फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट कर रही है। और यहाँ पे अभी आपको पीछे से आवाज़ भी दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल सामने ही जो यात्रा है वो चालू ऑलरेडी हो चुकी है। ढोल बजाते हुए पालकी में बैठा के गणेश जी को लेकर जा रहे हैं विसर्जन करने। बस मैं आपको मूव करके सामने का आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पूरा झंडा यहाँ पर फहराया जा रहा है, और पूरे ढोल नगाड़ों के साथ जो हमारे गणेश जी को लेके जाया जा रहा है, बहुत धूमधाम से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जा रहा है। लेट्स सी कैसा है। देखो सब लोग जो भी इंडियंस हैं सब यहाँ पे बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, पिकनिक बना रहे हैं। अभी गणेश जी को लेके जा रहे हैं पालकी में बैठा के, साथ में ढोल नगाड़ों के साथ, और फिर भी विसर्जन करेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे देखो जूसेस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में अभी वेट कर रहा हूँ, रेनू आने वाली है। रेनू एक्चुअल में पीछे रह गई थी, वन को लेकर आने वाली है, उसके बाद मैं आगे लेके जाऊँगा। मीन वाइल मैं आपको यहाँ पे शो दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे पूरी पालकी आ रही है। सब लोग देखो एथनिक वियर्स में आए हुए हैं, बहुत सारे लोग एथनिक वियर में भी हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल ही हैं। तो फाइनली युआन और रेनू भी आ चुके हैं यहाँ पे। हेलो, साइकिल से आया हूँ। युआन कम। तो हम पहुंच ही गए हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। आधे लोग वापस भी आने लगे, पर स्टिल युआन को ढोल नगाड़े दिखा देता हूँ। चलो युआन, गो गो, तो ढोल की आवाज आ रही है ना, चलते अंदर। आई थिंक विसर्जन, बस विसर्जन हुआ ना हो देख लेते हैं एक बार, अगर विसर्जन नहीं हुआ होगा तो उसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे एक बार। अभी ढोल की आवाज आ तो रही है, ये देखो। और ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, और बहुत सारे जो फॉरेनर्स भी आए हुए हैं देख रहे हैं ये किस तरीके से म्यूजिक, ढोल नगाड़ों को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। तो इंडियन लोग कितने बहुत तैयार है, उनके बिल्कुल अच्छे से आए हैं।
देखो यहाँ पे पूरे में पत्ते पत्ते हो रहे हैं, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। ये सही अच्छी लोकेशन है, सेलेक्ट करिए। और देखो कितने इंडियंस हैं डजल लॉक के अंदर, ये डजल लॉक के ही आए होंगे मेजली। तो ये पूरा पार्क है जिसके अंदर ये वॉक्स गार्डन, बहुत बड़ा पार्क है। और देखो इंडियन भी यहाँ पे चारों तरफ इंडियन ही है इस समय, आराम से बैठे हैं। और ये पूरा यहाँ पे लेक है, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ये देखो यार क्या कलर आ रहे हैं, देखो ऑटम के कलर दिखने चालू हुए हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, आप देखो कितनी बड़ी लेक है, ऐसी इससे भी बड़ी एक और लेक है यहाँ पे, दो लेक है यहाँ पे टोटल। डजल लॉक के अंदर ही कम से कम 10 से 12 मतलब पार्क होंगे बड़े बड़े, यहाँ पे बहुत पार्क होते हैं, वो पार्क होगा। और देखो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने जो लेक है, दो हंस बैठी हुई यहाँ पे, चलो 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 जो ये पूरा पार्क है यहाँ पे, इतना बड़ा पार्क है। पेड़ बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे,
एडिटिंग भी खत्म हो चुकी है और आपने वीडियो भी देख लिया, बस ये लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करके इसमें डालना है। तो को लास्ट तक हम वहाँ पे नहीं रुक पाए थे क्योंकि कुछ मेरी बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा इधर खड़ा नहीं हो पाया था, तो मैं आ गया था। बट यहीं पे ही जो जहाँ तक आए थे, यहाँ पे आने के बाद इन्होंने पूरा अपनी पूजा वूजा करी और मैं थोड़ा साइड में बैठ गया था, वहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने वहाँ से प्रसाद लिया और फिर हम घर आ गए थे। बट ये पहले इस तरीके से ही सेलिब्रेशन हुआ, बस पूजा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं किस तरीके से पूजा हुई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट हम और मोटिवेट हो सकें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और बना बना के आपको दिखा सकें। बस ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और कल आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।